3 महीने हमें थानों में भेज दिया, थानों का काम सीखा, फिर हमें कहीं सर्वे में लगा दिया, सर्वे का काम सीखा, फिर हमें रिकॉर्ड रूम में लगा दिया, वहां काम सीखा, फिर हमें कहीं और भेज दिया। ये तो हमारे सक्षम होने पर मतलब हमारी इज्जत उतारी जा रही है। अभी आप असल में देख नहीं रहे, ये जो जिन बीए कर रहा है, जिन हरियाणा दरबार तक डिग्री कर रहा है, क्यों ना कौन सा सक्षम योजना में शामिल कर रहे हैं? 3 लाख की शर्त लगा रखी, बिजली का बिल नहीं भर रखा तो सक्षम नहीं हुआ। मतलब कि जब इन श्रद्धा के ऊपर अपना विचार विमर्श करेंगे ना, और इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर देखेंगे, हरियाणा के अंदर कोचिंग सेंटर में को 5-5 साल तक 1000 बालक कोचिंग लेने लग रहे हैं, 1000 लाख बालक है। हमारी दृष्टि नहीं है उनकी तरफ। सक्षम कम है या ज्योति बैठी मेरी क्लासमेट हुआ थी, पीएचडी करने लग रही है, लेकिन पीएचडी करने के बाद भी 5000 रुपये में 6000 रुपये में काम करने को मजबूर है। हम गए हिसार में, 5 लड़कियां निगम के अंदर पीएचडी की हुई काम दे दिया स्वच्छता अभियान के तहत, कि सोच नहीं करता पाजा पोतर की 5 बजे ड्यूटी करो। के मतलब इस बात का, नू को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ साथी, थोड़ा सा ना हम सब ये चर्चा करें, युवा है सक्षम, किसी तरह डरता नहीं, आगे आएगा लड़ेगा, इसने आत्म सात करा आपा सारे, यह लड़ाई जो है पर अपने तो शुरू करते हुए इसमें आगे बढ़ावा। यहाँ पे जितनी भी चर्चा हम तमाम साथी कर रहे हैं, जो विचार यहाँ पे आने लग रहे हैं, सुझाव आने लग रहे हैं, इनको अपने 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 जिलों के ऊपर लागू करना पड़ेगा। अरे आप पक्की मान कर चालियो मारे जच लिया, अगर लड़ेंगे कुछ ना कुछ मिलेगा। ट्रेड यूनियन के लोग हैं जो जानते हैं कि इनकी नीतियां क्या हैं, बावजूद इसके हमारे बहुत ही नियर डियर बच्चे भी बीजेपी को वोट दे गए। और जब हम उनसे पूछ रहे थे 2014 में, तो उनका कहना ये था कि नहीं ये सरकार करेगी, हमारे को नौकरी ज़रूर मिलेगी। अब लगभग 4.5 साल के करीब बीत गए, अब उनकी जो आशाएं थी वो मतलब धूमिल हो रही है, और एक बेचैनी भी है, एक गुस्सा भी है कि जो कहा था वो हुआ नहीं। अच्छे दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आए, बहुत सारे लोगों के अच्छे दिन आए हैं लेकिन हमारे अच्छे दिन नहीं आए। और एक सवाल यहाँ ये भी है कि बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो ये कहते भी सुन रहे हैं हम कि क्या करें जी, हमारी तो किस्मत में ही है ये पक्की नौकरी, हमारी किस्मत में नहीं है। तो किस्मत कहाँ से बीच में आ रही है? किस्मत का फैसला तो ये देश की सरकार कर रही है, देश की पार्लियामेंट कर रही है, हरियाणा की विधानसभा कर रही है। तो अब इन्होंने जो वायदा किया हरियाणा के अंदर 2 लाख नौकरी हर साल देंगे, और अगर हरियाणा की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मैं बताऊं, क्योंकि सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बारे में आप अखबारों में पढ़ते रहते हो कभी कभार, अब ये सक्षम में जब काम मिला थोड़ा सा और ध्यान गया होगा, पहले तो उस तरीके से देखते नहीं, कि हम जो मांग कर रहे हैं कि जो तमाम सरकारी विभागों में पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि 1981 में प्रदेश की 1.25 करोड़ जनता थी और 4 लाख से ज़्यादा पक्की नौकरी थी, और आज जनसंख्या 2.75 करोड़ के करीब है और कर्मचारियों की संख्या घट करके पक्कों की 2,65,000 के करीब है, कच्चों को भी अगर जोड़ दें तो 3.5 के आसपास है, तो 10 लाख नौकरी इस हरियाणा में दी जा सकती हैं। 1365 कर्मचारी जो फायर ऑपरेटर हैं उनकी नौकरी खत्म कर दी 8 तारीख को, 9 तारीख से हड़ताल करी जर्मन, 8 तारीख को नौकरी खत्म कर दी। हमने कहा कि नहीं नौकरी वापस आएगी तो हड़ताल खत्म होगी, ना तो नहीं होगी। बोले तो ठेके के देख खत्म हो गए तो बात खत्म हो गई, अगली बात करो। हमने कहा यही बात करेंगे, समझौता हुआ तो उनकी नौकरी की गारंटी लेकर के आए, एक भी कर्मचारी नहीं हटेगा। और बहुत सारी आशा वर्कर तो हमारे सामने ही है, मतलब ये जो लड़े हैं सरकार ने समझौता लागू नहीं किया, फिर लड़ी और फिर जो है मुख्यमंत्री 16 तारीख को
15, 16, 17 तारीख को मुख्यमंत्री को घर घेर रही है। इसी के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए जरूरी समझते थे, अलग अलग जिलों के अंदर गए, 10-10, 20-20 मिनट एक एक घंटा बैठ के साथियों से बातचीत की है। तो एक तो ये चीज है कि कंटिन्यू काम दो, दूसरी बात जिनकी एज, इन्होंने एज रख दी 35 साल, कुछ ऐसे हैं जिनकी 34 साल हो गई या 35 के बिल्कुल नजदीक हैं, उन्हें 1-2 महीना काम मिलके काम ही नहीं मिला आगे, तो उनके साथ भी शोषण हो रहा है। कहने को उनको काम मिल गया, गवर्नमेंट के एक थप्पा लग गया, हाँ हमने काम दे दिया, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा भाई, हमारा कसूर क्या है, क्या हम सक्षम नहीं हैं? तो ये दो डिमांड्स हैं जो वो, और खट्टर साहब ने कई बार बोला है कि 100 घंटे से ज़्यादा अगर आप काम करते हो, 200 घंटे महीने में आप काम करते हो तो आपको 18,000 रुपये मिलेंगे, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा। हमें ये बोला जाता है कि आप, जैसे हमने 100 घंटे काम कर दिए उसके बाद भी महीने में काम करवाया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ आपका जोड़ दिया जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ भी हमसे वर्क करवाया जा रहा है, फिर 2-3 मंथ करवाते हैं कंटिन्यू, फिर बोल देते हैं कि पीछे का पीछे रह गया, अब आगे चलो। लेकिन मेरे जो सक्षम साथी है, जो वेल एजुकेटेड है, सक्षम का ठप्पा लगा दिया, शिक्षित है वो, लेकिन सक्षम का नाम दे दिया उनको, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और अनुराधा जी ने जो बताया वो सारी बातें सही है, मैं सहमत हूँ। सरकार ने जो आपने ये मांगे रखी हैं, सरकार कह रही है कि प्राइवेट जो पत्राचार कैंडिडेट हैं उनको स्कीम से बाहर किया जाए, तो हमारी मांग ये है कि उनको भी इसमें शामिल किया जाए। अगर आज सरकार इनको नहीं शामिल कर रही, हो सकता है कल को जो पुराने कैंडिडेट हैं पत्राचार से शामिल इस स्कीम में, उनको भी निकाल दे, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्कीम, ये मांग भी इसमें शामिल की जाए। सर, ये और एमपी जो जिसका घराला लग गया है या जिसका घराली लग गया उसने सक्षम में शामिल नहीं करेंगे, तो मैं ये कह रहा आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो अपने डॉक्यूमेंट था के जो लोग दे फिर विशेष तौर पर शिक्षित युवा लड़के लड़कियों को बहुत कम रोजगार के लिए, रोजगार तो ये है ही नहीं, बहुत कम पैसों में ज़्यादा काम कराने के लिए छांटा है। इस स्कीम को हमें सम्मानित युवा, वो क्या बोल रहे थे, शिक्षित युवा सम्मानित युवा के नाम से तो बिल्कुल भी नहीं इसका प्रचार कर सकते, ये तो सिर्फ कहने की बात है, बल्कि जो उनका मान सम्मान है उसको ये एक ठेस है जिस तरीके से छांटा गया है। अभी हम 2-3 दिनों के पिछले दिनों के अंदर सक्षम युवाओं को इसमें शामिल करने के लिए डिपार्टमेंट्स के अंदर गए, उन डिपार्टमेंट में जितने भी मैम के अंदर हम लोग गए, जो भी प्रधान जी ने रखते हो बात रखी, 2.5 लाख तक पक्के कर्मचारी है, 1 लाख कच्चे कर्मचारी, इसके अलावा डिपार्टमेंटों में जाके देखा उतने सक्षम और उतने इंटर्नशिप वाले आ गए। इस सेशन के अंदर लगभग आधा हिस्सा हर डिपार्टमेंट के अंदर 10-10 बच्चे इंटर्नशिप के भी और आ चुके हैं, और कुल मिला के सरकार जो कर्मचारियों का टोटा है उसको पूरा करने के लिए चाहे सक्षम योजना शुरू कर ली, ITI को इंटर्नशिप के माध्यम से, पॉलिटेक्निकल को इंटर्नशिप के माध्यम से, JBT कर ली स्कूल मास्टर पूरे करने के लिए, उनको इंटर्नशिप के माध्यम से अनेकों तरीकों से युवाओं को बिना कोई तनख्वाह दिए, बिना कोई पैसा दिए, रोज मतलब काम पे लगाने की कोशिश कर रही है, लगा भी रही है। तो ये हमें थोड़ा विचार करना पड़े, सरकार की पॉलिसी है वो हम लोगों को रोजगार देने को नहीं, सारे डिपार्टमेंट खालीकरण की है, डिपार्टमेंट खाली हो गए, डिपार्टमेंट बंद हो गए तो हमारे जैसे नौजवानों को रोजगार नहीं बचेगा, तो बड़ा सवाल आज ये रोजगार बचाने की, मतलब आज हरियाणा के अंदर जब हम जाते हैं बात करते हैं देहात के अंदर, ऐसा कोई भी परिवार गाँव में बड़ा बूढ़ा नहीं मिलेगा, सबको चिंता है कि मेरा बेटा बेटी ना रोजगार को नहीं मिल रहा, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी संगठन ने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया, तो इट मे बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है कि जो सक्षम युवा संघ हरियाणा ने बनाया है
हरियाणा के अंदर हम लोग ये रोजगार की जो मुहिम जो छेड़ी है इसको हम लोग बड़े स्तर पर लाभबंद कर पाए, इसमें हम लोग कामयाब हो पाए, ये संभव है, ये आप कर पाएंगे। इतनी बात कहते हुए लास्ट बात, हम लोग पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संगठन हमारा SFI, हमारा नारा है सबको शिक्षा मिले, बढ़िया शिक्षा मिले, शिक्षा लेने के बाद सबको काम मिले। तो ये जो काम जब तक नहीं मिल रहा है, ये इसको इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए हम लोगों ने इसके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी कि जितने भी विद्यार्थी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अल्टीमेटली पढ़ाई पूरी करने के बाद रोजगार की लाइन में लगना है। जितना बड़ा संकट जो पहले आ चुका है उनको काम नहीं मिल रहा, तो जो अब आने वाले समय के अंदर निकलेंगे उनके सामने भी एक बड़ा संकट है। इस संकट को देखते हुए हम लोगों ने भी तय किया कि पूरे हरियाणा का विद्यार्थी समुदाय जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला वो भी आपकी इस लड़ाई के अंदर कंधे से कंधा मिला के चलेगा। तो उसको कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, सब जगह से उसको ये कह दिया जाता है कि आप सक्षम नहीं है, आप इसके लायक नहीं है, तो वो अपने स्कूल में जाता है, प्रिंसिपल पे केस करता है और कहता है कि भाई स्कूल में मैं पढ़ा, मेरे इतने पैसे लगे, मेरा इतना साल लगा, लेकिन आज मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं योग्य नहीं हूँ रोजगार के। यदि स्कूल ने मुझे योग्य नहीं बनाया तो आप फिर हमारी फीस वापस दो। क्या ये आज हमारा मुद्दा नहीं है? मतलब हम पढ़ लिख लिए, हमने इतनी डिग्री ले ली, वो डिग्री देने वाले कौन है? डिग्री देने वाली हमें सरकार है और वो खुद सरकार MPhil की PhD की सारी डिग्री दे दी, BEd की भी दे दी, JBT की भी दे दी, उसके बाद और नई नई पात्रता की परीक्षाएं लगा दी उन्होंने, और अब फिर वो ये कह रहे हैं कि इसके बाद भी इसके ऊपर भी आपको और टेस्ट होंगे और इंटरव्यू होंगे और ये होगा और वो होगा। मतलब एक तरीके से केवल और केवल युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को प्रताड़ित करने के सिवाय ये और कोई नीतियां नहीं है। हमें इन तमाम नीतियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। हम तमाम सक्षम के युवा साथी जिनका आज राज्य स्तरीय सम्मेलन था, उस सम्मेलन की अपनी कार्यवाही के बाद अपने तयशुदा कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन करते हुए DC ऑफिस पे आए हैं। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य हमारी जो सक्षम युवाओं की तमाम मांगे हैं उन मांगों के बाबत सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, सरकार तक युवाओं का गुस्सा पहुंचाना। इसलिए इस भीषण गर्मी के अंदर हम तमाम साथी नारेबाजी करते हुए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हमारी गुजारिश है प्रशासन से कि वह संबंधित अधिकारियों को बुला ले। जिस तरह के हालात इस सरकार ने नौजवानों के लिए बना रखे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। और अपन इब गर्मी गर्मी आए हैं, पसीना इतना बह दिया, एक बाल्टी पानी की व्यवस्था तो अपन ने पसीना के लग कर दी, तो सारे के सारे अधिकारी भी उसमें डूब के मर सके। मजाक बना रखे नौजवानों के साथ में, बोला 3 साल की नौकरी और वो भी 35 साल तक नौकरी, के मजाक है भाई। और उसमें भी तमाशा, व्हाट्सएप देखने लग रहा जींद का अखबार की एक कटिंग थी, उसमें ये आ रहा था कि मल्टीपर्पज के लिए प्रयोग कराया जाओगा सक्षम युवाओं। मल्टीपर्पज का मतलब है, मल्टीपर्पज का एक उदाहरण तो रिवाड़ी में देखा था, आलम पास बालकन गोबर ढोना भी उस मल्टीपर्पज में शामिल था। स्कूल में मल्टीपर्पज का मतलब है मास्टर दे पानी पियाना, घंटी बजाना, झाड़ू भी मरवा सके हैं जो कर काम करने लग रहे हैं। और क्योंकि पढ़े लिखे बालक हैं तो किसी मास्टर ने नींद आंदी हो उसकी जगह पढ़ाने का काम भी कर सके, ये तो मल्टीपर्पज बना दिए। मतलब जिस तरह का अपमान नौजवानों का किराया जान लग रहा है, ये शर्म की बात है, बहुत बद्दा मजाक नौजवानों के साथ में किराया जान लग रहा है। और उन नौजवानों के साथ में जिन्हें सक्षम मानना है,
नुका पोस्ट ग्रेजुएट हो कम से कम, बीएससी बीकॉम ने भी देख लेंगे चल जा काम, और बीएससी बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएट भी जब बाहर की किसी यूनिवर्सिटी तय या प्राइवेट कर रहा हो उसने भी सक्षम नहीं मान दे। एक बात कान खोल के सुन लेनी चाहिए, जब नौजवाना की और सक्षम की पहचान होने की बात आवे है तो नौजवाना ने बार बार एहसास करवाया है असल में सक्षम क्यों है। हर नौजवान सक्षम है, हर नौजवान सक्षम है, ये वो नौजवान है जो ब्रिटिश झंडे को जड़े नू क्या करते बिना दिन नहीं छिपता, इतना बड़ा साम्राज्य है कड़ियां कड़ियां सूरज निकला रहे है, ये वह नौजवान है इतने सक्षम है उस ब्रिटिश झंडे को भी अकेला इंग्लैंड में घुसेड़ दिया पूरा वापस ले जाकर, पूरी दुनिया से भागना पड़ा। वो भगत सिंह 23 साल का वो नौजवान था, नौजवानों को सक्षम होने की गारंटी देने की जरूरत नहीं है।